स्टार्ट। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है रिदम कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक कंजंक्शन पढ़ने वाले। कंजंक्शन हमारे एग्ज़ाम में 2 नंबर का आने वाला है। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, एक एक नंबर के। कंजंक्शन होता क्या है सबसे पहले इसको समझो। कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो आपको 2 सेंटेंसेस या 2 वर्ड्स या 2 फ्रेजेस या 2 क्लॉजेस को ज्वाइन करने में हेल्प करता है। इसको वापस कैसे समझेंगे कि कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो 2 शब्दों, 2 उपवाक्यों, 2 वाक्यांशों और 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए आपकी हेल्प करता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस टुगेदर, ठीक है। कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो आपकी 2 वर्ड्स को, 2 फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ने में हेल्प कर रहा है। इसका एग्जांपल है एंड, बट, बिकॉज, मतलब, लेकिन, इफ, आफ्टर, एक्सेट्रा, ठीक है। अब इसको एग्जांपल से समझेंगे हम। जैसे शी इज़ रिच एंड हैप्पी, वह अमीर है और खुश है। तो ये जो एंड है वो हमारा क्या कंजंक्शन की तरह यूज़ हो रहा है, 2 सेंटेंसेस को, इसमें 2 सेंटेंस हो रहे हैं, उनको जोड़ने का काम कर रहा है एंड, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम प्रेपोजिशन भी तो ऐसे ही कुछ काम करता है, तो सही बात है, प्रेपोजिशन आपका जोड़ने का काम करता है, लेकिन जो प्रेपोजिशन, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब में ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपके कंजंक्शन के वर्ड्स से काफ़ी एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका मतलब अलग होता है। जैसे जहाँ पे प्रेपोजिशन, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब होते हैं, ये किसी भी सेंटेंस से उसका रिलेशन के बारे में भी बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? रिलेशन के बारे में भी बात करते हैं। जबकि कंजंक्शन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ जोड़ने का काम करता है। क्या काम करता है? सिर्फ और सिर्फ जोड़ने का। जैसे एग्जांपल लेते हैं, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड द स्टॉप। एक ट्रेन शुरू हो गई थी, हम स्टॉप पे पहुँचे उससे पहले ही ट्रेन शुरू हो गई थी। तो इसमें क्या 2 सेंटेंसेस हैं और दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बिफोर, ठीक है। तो दोनों अलग अलग सेंटेंस है और ये बिफोर जो है सिर्फ जोड़ने का काम कर रहा है, तो इसको हम यहाँ पर कंजंक्शन बोलेंगे कि ये जो बिफोर है यहाँ पर कंजंक्शन की तरह यूज़ हुआ है। वहीं सेकेंड बात, सेकेंड एग्जांपल हमारा, दे हैव नॉट सीन बिफोर, मतलब उन्होंने ये पहले कभी नहीं देखा। इसमें जो बिफोर है वो इस सीन के, ये जो वर्ब है इसका विशेषता बता रहा है, वर्ब की जो विशेषता बताता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर जो बिफोर है वो एडवर्ब का काम कर रहा है। वहीं शी स्टूड बिफोर द गेट, अब इसमें क्या है कि वह गेट से पहले खड़ी है, तो गेट से पहले खड़ी है तो ये क्या है? इसके बारे में बता रहा है, तो ये प्रेपोजिशन होगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझो कि जो भी कोई भी वर्ड्स आ रहे हैं तो वो किसी रिलेशन में आ रहे हैं या फिर सिर्फ सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे आप कंजंक्शंस और प्रेपोजिशंस और अदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको रिलेट कर सकते हो। फाइन, क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हम 2-3 एग्जांपल और ले लेते हैं कंजंक्शंस के ही। जैसे जिया एंड रिया आर बेस्ट फ्रेंड, जिया और रिया जो है बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। अब जब एंड यहाँ पे कंजंक्शन लगा है तभी इस सेंटेंस का मीनिंग भी बना है और ये इस पूरे सेंटेंस को ज्वाइन करने का भी काम कर रहा है, ठीक है। आई लाइक हिम बट शी डज नॉट लाइक हिम, मैं उसे पसंद करती हूँ पर वो उसको पसंद नहीं करती है। तो इसमें जो बट है वो इन 2 सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। वहीं थर्ड जो है अपना, यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, आप पास हो जाओगे अगर आप अच्छा मेहनत करोगे, ठीक है। तो इसमें जो ये इफ़ है ये कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, 2 सेंटेंसेस को जोड़ने की क्या तरह काम कर रहा है। तो अब तक आपको कंजंक्शन सब समझ में आ गया? क्या होता है कंजंक्शन? कि जो भी सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करे या फ्रेजेस को या क्लॉजेस को जोड़ने का काम करे उसे हम कंजंक्शन बोलते हैं।
अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। हमारे पास तीन टाइप के कंजंक्शंस होते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और तीसरा हम पढ़ेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होता क्या है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शंस होते हैं जो कि किसी क्लॉजेस को और किसी स्टेटमेंट को या किसी सेंटेंस को जोड़ने के लिए इक्वल रैंक पे काम करते हैं। जैसे मान लो जॉइन द क्लॉजेस और स्टेटमेंट ऑफ इक्वल रैंक। जैसे एग्जांपल देखो, जिया एंड रिया आर सिस्टर्स। जिया और रिया जो हैं वो सिस्टर्स हैं। तो इसमें इस सेंटेंस में जो जिया है और जो रिया है ये दोनों नाउन है, तो जो नाउन को नाउन से जोड़ा जा रहा है तो ये दोनों इक्वल रैंक के हुए, तो इसलिए ये जो कंजंक्शन है इसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ही इज़ फुलिश एंड कॉवर्ड। वह फुलिश मतलब मूर्ख है और कॉवर्ड, कॉवर्ड का मतलब क्या होता है, डर। ठीक है, और डर क्या है, भाववाचक संज्ञा, तो वो नाउन हुआ। तो ये तो एडजेक्टिव है, मूर्खता जो होती है, मूर्ख जो होता है वो किसी का विशेषता है, तो व्यक्ति मूर्ख है। लेकिन जो कॉवर्ड है वो डर, डर तो क्या है, भाववाचक संज्ञा, नाउन हो गया। तो ये जो दोनों हैं, ये जो हमारा सेंटेंस है ये जो जोड़ रहा है इसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं बोलेंगे कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है। क्यों क्यों नहीं है, क्योंकि ये एडजेक्टिव और नाउन को जोड़ रहा है। एंड इसके बाद इसी को अगर चेंज करें तो ही इज़ फुलिश एंड कॉवर्डली। कॉवर्डली का मतलब डरपोक। तो इसमें जो फुलिश जो था वो एडजेक्टिव था, हमने कॉवर्डली करके कॉवर्ड को कॉवर्डली करके इसको भी एडजेक्टिव में चेंज कर दिया। तो ये भी अब हो गया हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि ये इक्वल रैंक के कंजंक्शन को जोड़ रहा है। ठीक है, वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है, ही इज़ रिच एंड मेज़र। वह अमीर है और मेज़र है। मेज़र का मतलब होता है कष्ट। ठीक है, तो रिच का मतलब वो अमीर है और कष्ट भी है उसके पास, तो कष्ट तो क्या हो गया, वापस संज्ञा हो गई। ठीक है, लेकिन जब इस संज्ञा को हम एडजेक्टिव में वापस कन्वर्ट कर ले, तो ये जो रिच है ये तो हमारे पास ऑलरेडी एडजेक्टिव है, और मेज़रली, मेज़रली मतलब कष्टदायी, कष्टदायी भी हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो जब दोनों एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ रहा है ये, तो ये जो अपना कंजंक्शन है इसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बोलेंगे। वहीं लास्ट एग्जांपल देख लो, शी इज़ इंटेलिजेंट एंड पुअर। अब इस सेंटेंस में इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है और पुअर भी एडजेक्टिव है, तो ये दोनों जो हैं वो कंजंक्शन से जुड़ रहे हैं बट से। ठीक है, तो ये भी अपना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हुआ। तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो होते हैं जो नाउन को नाउन से जोड़ रहे हैं, ऐसे कंजंक्शंस जो नाउन को नाउन से जोड़ रहे हैं, जो एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ रहे हैं, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ रहे हैं। ठीक है, आ गया, सबको क्लियर हो गया समझ? ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम समझते हैं कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, वो इजी है, पहले समझ लो फिर हम सबऑर्डिनेटिंग समझ जाएंगे। कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होता है कि कुछ कंजंक्शंस जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, मतलब एक के साथ एक जुड़ा हुआ होता है, सिर्फ अकेला सर्वाइव नहीं कर पाता। उन कंजंक्शंस को हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। जैसे सम कंजंक्शंस आर इन पेयर्स, दे आर नोन एज कोरिलेटिव कंजंक्शंस। एग्जांपल जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, नोट ओनली बट ऑल्सो, यही नहीं ये भी। ठीक है, और फ्रॉम से टू, मतलब डैश से डैश तक की जब बात करते हैं तो फ्रॉम टू। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, जैसे ही वर्क फ्रॉम डाउन टू डस्क, वो काम करता है सुबह से शाम तक। ठीक है, डाउन टू डस्क मतलब सुबह से शाम तक वो काम करता है, तो फ्रॉम और टू दोनों कंजंक्शन है, एक साथ आ रहे हैं, तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन। इसमें आइदर ही इज़ मैड और फुलिश, इसमें जो है हमारा सेंटेंस वो आइदर और दोनों से जुड़ा हुआ है, वो या तो मैड है, या तो पागल है, या वो मूर्ख है। ठीक है, तो आइदर ही इज़ मैड और फुलिश, आइदर और दोनों साथ में पेयर में आ रहे हैं, तो ये अपना हो गया कोरिलेटिव कंजंक्शन। वहीं थर्ड, ही नाइदर लाइक्स टी नॉर कॉफ़ी,
वो उसको ना तो चाय पसंद है ना कॉफ़ी पसंद है, तो इसमें नाइदर और नॉर जो है वो वापस अपने पेयर्स में आ रहे हैं, तो इनको हम बोलेंगे को रिलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, तो ऐसे कोई भी कंजंक्शंस जो पेयर में हो रहे हैं, सेंटेंस में आ रहे हैं पेयर में, उन्हें हम को रिलेटिव कंजंक्शंस बोलते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? ऐसे कंजंक्शंस जिसके अंदर हमें डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में पता चलता है, उनको हम सब ऑर्डिनेटिंग क्लोजेस बोलते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, अब इसको समझ लो वापस कि ऐसे ऐसे कंजंक्शंस जो आपके, जब आप क्लॉजेस पढ़ते हो तो क्लॉजेस में क्या पढ़ते हो, क्लॉजेस होते क्या है? सबसे पहले क्लॉजेस वो सेंटेंस जो होता है उनकी सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको हम क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, तो क्लॉज के दो टाइप होते हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है ऐसा क्लॉज जो आपके किसी और क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब निर्भर है, और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसको दूसरे किसी क्लॉज की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में पूरा है। ठीक है, तो इस जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, ये ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे हम ये भी लिख सकते हैं कि जो कंजंक्शंस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं, और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं, को जोड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आ गया, क्लियर हो गया? चलो एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये आप लोग लिख लेना एक बार, नहीं तो फिर सब मिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है, ये थोड़ा हमने बीच में अलग से लगा दिया है। ठीक है, एग्जांपल्स देख लो इसके। यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगी। तो इसमें जो यू विल नॉट सक्सीड अनलेस, ये जो है ये है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। क्या है ये? हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। किस पे डिपेंड है? सेकंड वाले। ये जो है हमारा यू वर्क हार्ड, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसके ऊपर डिपेंड है फर्स्ट वाला क्लॉज। तो और इन दोनों को जोड़ने का जो काम कर रहा है कंजंक्शन, जो जोड़ने का काम कर रहा है, उसे हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जब हम क्लॉज पढ़ेंगे तो उसमें जितना भी जोड़ने के लिए हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, वैन विच वगैरह, जो तुम्हारे प्रीवियस एग्जाम में भी आ चुके हैं विच और वैन, तो वो सब जो होते हैं वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, ही रैन अवे बिकॉज द पुलिस वर आफ्टर हिम। वह भाग गया क्योंकि जो पुलिस थी वो उसके पीछे थी। तो वह भाग गया, क्यों भाग गया? क्योंकि पुलिस उसके पीछे थी। तो ये इंडिपेंडेंट है और ये इसके ऊपर डिपेंडेंट क्लॉज है, और इन दोनों को जो जोड़ने का काम कर रहा है बिकॉज, वो हो गया हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इसके बाद शी सेड दैट शी वॉज एब्सेंट, उसने ये कहा। क्या कहा? तो शी सेड जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज है अपना। क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज, और इसके ऊपर ये जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज, शी वॉज एब्सेंट। तो ये जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं किससे जुड़े हुए हैं? दैट से, और दैट क्या है? हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब इसके बाद हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं इनको हम इनके कंजंक्शंस के मीनिंग के बेसिस पर भी क्लासिफाई कर। ठीक है, अब आपको सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन समझ में आ ही गया होगा। तो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो होते हैं उनको हम उनके मीनिंग्स के अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम टाइम, किसी सेंटेंस में टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं बिफोर, टिल, सिंस, आफ्टर,
और अगर हम किसी कॉज की बात कर रहे हैं तो हम उसके लिए बिकॉज, सिंस या एज का यूज़ कर सकते हैं। अगर सेंटेंस में कहीं पर्पस की बात हो रही है तो हम उसे सो दैट से जोड़ सकते हैं, और अगर रिजल्ट की बात हो रही है तो सो या देयर फोर से जोड़ सकते हैं हम उसे। अगर किसी कंडीशन की बात हो रही है, अगर ऐसा हो गया तो हम इफ़ या अनलेस की से उसको जोड़ सकते हैं। कंसेशन की बात करें तो कंसेशन क्या, अगर ऐसा कुछ आता है तो हम उसको दो या ऑल दो से जोड़ सकते हैं। वहीं अगर कंपैरिजन आ गया, किसी दो चीज़ों में अंतर करने का आ गया, तो उसे हम कैसे जोड़ सकते हैं, किसी देन से या फिर वेयर एज से, ठीक है, या एज मच एज, ये भी इंक्लूड कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो अब आप, हमने टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस में तीन टाइप के कंजंक्शन पढ़े, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस और तीसरा कोरिलेटिव कंजंक्शंस, ठीक है। तो जो अपना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस था, ये तो ऐसा था जो इक्वल रैंक पे दो चीज़ों को जोड़ता है, जैसे कि नाउन को नाउन से जोड़ना, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ना, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ना, तो वो सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आएगा। दूसरा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो होते हैं जो डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हैं, या फिर हमें बताता है कि डिपेंडेंट क्लॉज जो है उसको, उसके बारे में बताता है, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस करता है, उसे हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा था हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस में क्या होता है कि जो कंजंक्शन होते हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आइदर और, नाइदर नॉर, ठीक है। आ गया, क्लियर हो गया सबको समझ में? तो मेरे हिसाब से अब तक आपको पूरा कंजंक्शंस और टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस समझ में आ गए होंगे। हमारे जो कंजंक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो फिलअप्स के फॉर्म में या फिर नॉर्मली फिलअप्स के फॉर्म में ही आएंगे, जैसे कि आपको कोई सेंटेंस दे दिया और उसको जोड़ने को बोला कि उसको आप कंजंक्शन से जोड़ो, और दो तीन ऑप्शन आ जाएंगे आपके, जैसे ये सेंटेंस है, शी इज़ इंटेलिजेंट बट पुअर, तो इसमें बट नहीं लिखा हुआ आएगा, आपको ब्रैकेट में दो तीन वर्ड्स दे दिए जाएंगे और आपको सही जो कंजंक्शन होगा, सही जो कनेक्टिंग वर्ड होगा उसको आपको फिल करना होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है। मेरे आई होप आप सभी को अच्छे से कंजंक्शंस जो है वो समझ में आ गए होंगे, और आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।